हेलो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग उनकी चेस्ट के मसल्स को लेकर काफ़ी परेशान होते हैं। फ्रेंड्स, वो चाहे कितना भी वर्कआउट कर लेते हैं लेकिन उनकी चेस्ट ट्रेन नहीं हो पाती है और चेस्ट बन नहीं पाती है। फ्रेंड्स, उसके पीछे उनको साइंस पता नहीं होता। किसी भी वर्कआउट को करने के लिए उसका साइंस पता होना जरूरी है, किस तरह से किस मसल्स को ट्रेन करना है, कौन कौन सी मसल्स होती है शरीर में और किस दिन कौन सा वर्कआउट करें, इस तरह की उनको नॉलेज नहीं होती है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बताएंगे ऐसे वर्कआउट और उसके पीछे का साइंस, जिस तरह से आप अपनी चेस्ट को काफ़ी तेज़ी से बड़ा कर सकते हैं, काफ़ी तेज़ी से आप गेन कर सकते हैं, एक अच्छी चेस्ट बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा एक्टर लोगों की चेस्ट, जैसे कि आमिर खान, ऋतिक रोशन, उनकी चेस्ट जो है, वो सारी मसल जो है, बॉडी है, वो काफ़ी जल्दी से बना लेते हैं, क्योंकि उनके पीछे होता है कोच और कोच को साइंस पता होता है, इसीलिए उनके जो मसल्स है काफ़ी तेज़ी से गेन होती है। किस दिन कौन सा वर्कआउट करना है कोच उनको बताता है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बता रहे हैं आपकी चेस्ट मसल्स को। पहले समझ लेते हैं चेस्ट के तीन मसल्स होते हैं। फ्रेंड्स, पहले जो मसल्स होती है अपर चेस्ट होती है, दूसरा जो बीच में होती है उसको मिडल चेस्ट बोलते हैं, तीसरा जो नीचे जो चेस्ट का आकार गोल वाला भाग होता है उसको लोअर चेस्ट बोलते हैं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बताएंगे ऐसे वर्कआउट जिससे आपकी तीनों मसल्स ट्रेन होगी, अपर चेस्ट, मिडल चेस्ट और लोअर चेस्ट। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपर चेस्ट को ट्रेन करना है। अपर चेस्ट को ट्रेन करने के लिए फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, इंक्लाइन बेंच पर आप डंबल प्रेस करेंगे। इस तरह से इस वर्कआउट को परफॉर्म करने से जो आपकी जो अपर चेस्ट है वो काफ़ी तेज़ी से गेन होता है और अच्छे से डेवलपमेंट होता है। इस तरह से हर एक सेट में आपको डंबल का वेट बढ़ाना है। तो साथ ही साथ इस वर्कआउट के साथ में आपको करना है डिक्लाइन पुशअप में क्या करेंगे फ्रेंड्स, आप जो पैर है किसी ऊपर वाली चीज़ों में रखेंगे या बॉक्स पे रखेंगे और अपने हाथों को नीचे रखेंगे और इस तरह से धीरे धीरे से पुशअप की एक्सरसाइज को करेंगे, जिससे आपकी अपर चेस्ट है वो काफ़ी तेज़ी से गेन होगी, काफ़ी तेज़ी से डेवलप होती है। फ्रेंड्स, अब बात आती है लोअर चेस्ट की। लोअर चेस्ट यानी कि जो नीचे का गोल आकार भाग होता है उसको लोअर चेस्ट बोलते हैं। इसके लिए आपको डिप्स की एक्सरसाइज करनी है। फ्रेंड्स, डिप्स की एक्सरसाइज करने से जो आपकी लोअर चेस्ट है वो काफ़ी तेज़ी से गेन होती है और काफ़ी अच्छा उसमें डेवलपमेंट आता है। फ्रेंड्स, इस वर्कआउट को करते हुए आपको ध्यान रखना है अपना शरीर को क्या है, थोड़ा सा आगे झुका के रखना है। आगे झुका के रखने से क्या होता है, इफेक्ट अच्छा आता है और साथ ही साथ आपके इसमें ट्राइसेप भी ट्रेन हो जाते हैं। इस तरह से इस वर्कआउट के साथ साथ आपको क्या करना है, इंक्लाइन पुशअप करना है। इंक्लाइन पुशअप से क्या होता है फ्रेंड्स, आपकी जो लोअर चेस्ट वो काफ़ी तेज़ी से गेन हो पाती है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मिडल चेस्ट। मिडल चेस्ट यानी सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, इसको ब्रॉड करना बहुत ही ज़रूरी है। फ्रेंड्स, इस वर्कआउट को ब्रॉड करने के लिए आपको क्या करेंगे, फ्लैट बेंच पर रोड प्रेस करेंगे। इस तरह से आप रोड की सहायता से इस तरह से आप प्लेट रखेंगे और इस तरह से रोड की सहायता से आप करेंगे। फ्रेंड्स, इस वर्कआउट में ध्यान रखें जितना हो सके उतना वेट आपको लेना है और साथ ही साथ इस वर्कआउट के साथ में आपको क्या करना है फ्रेंड्स, वाइड ग्रिप पुशअप करना है। वाइड ग्रिप पुशअप से क्या आती है, आपकी जो बीच वाली मसल्स है काफ़ी ब्रॉड हो जाती है, चौड़ी हो जाती है, जिससे आपकी चेस्ट जो है काफ़ी बड़ी हो जाती है। ध्यान इस बात को रखें कि आपको जल्दी जल्दी नहीं करना है पुशअप की एक्सरसाइज, अगर आप स्लोली करेंगे तो ही आपको अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा और आपकी जो चेस्ट मसल्स है काफ़ी तेज़ी से गेन हो पाएगी। फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो जिससे आपकी तीनों मसल्स ट्रेन हो गई है, आपकी जो अपर चेस्ट है, मिडल चेस्ट और लोअर चेस्ट। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अगर आपको कुछ क्वेरी है तो कमेंट कर दीजिए और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।